वेलकम इन बायोलॉजी डायग्राम सीरीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस सीरीज के अंदर हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कुछ बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स अलोंग विद डिस्क्रिप्शन। इसी सीरीज के अंदर आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देंगे हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस फ्लावर का, राइट। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर डिस्क्रिप्शन के साथ में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा सो अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या कहा मैंने, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस फ्लावर। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर, राइट। नाउ व्हाट इज अ हाइपोगाइनस फ्लावर? वेरी फर्स्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर क्या होता है कि ओवरी इज एट द टॉप पोजीशन एंड ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स अराइज फ्रॉम बेस ऑफ द ओवरी, है ना। तो मैंने क्या कहा, ओवरी एट टॉप पोजीशन, फाइन। क्या कहा है मैंने, ओवरी एट टॉप पोजीशन, ओवरी एट टॉप पोजीशन एंड all other floral parts arise from base of ovary, fine. ovary at the top position and all other floral parts arise from base of the ovary, है ना। then this condition is called as a hypogynous flower. एक hypogynous flower कैसा होता है वो अच्छे से आप देख लो, right? मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, उसको तुम देख लो अच्छे से। यहाँ पर ये देख लो, this is ovary. सो ओवरी एट द टॉप पोजिशन, ओवरी तो सबसे ऊपर है, एंड ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स अराइज फ्रॉम बेस ऑफ द ओवरी, क्लियर है। तो यहां पर ओवरी की पोजिशन तो सबसे ऊपर है, लेकिन तुम बाकी के जो पार्ट्स देख रहे हो, है ना, बाकी के पार्ट्स क्या हैं? से फॉर यहां पर तुम देखोगे कैलेक्स, से फॉर दिस इज कैलेक्स, दिस इज कोरोला एंड दिस इज स्टेमिन, ठीक है। तो ओवरी इज एट द टॉप पोजिशन एंड ऑल द अदर फ्लोरल पार्ट्स, यानी कि कैलेक्स, कोरोला एंड स्टेमिन्स या सेपल, पेटल एंड स्टेमिन्स आर अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी, राइट, आर अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी। तो वी कैन से इट इज कि यहाँ पर जो ओवरी है, यहाँ पर जो ओवरी है दोस्तों, वो कैसी है? तो वी विल से यहां पर सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है, सुपीरियर ओवरी। एक बार फिर से रिपीट कर दें आपके लिए, मैं ये कहना चाहता हूं व्हाट इज हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनस सबसे टॉप के ऊपर है, ओवरी सबसे टॉप के ऊपर है, और हाइपो मतलब नीचे, राइट। गाइनस, हाइपोगाइनस मतलब ओवरी इज एट द टॉप पोजिशन एंड ऑल अदर फ्लोरल पार्ट आर अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपोगाइनस फ्लावर। यहां पर आपको बस ये ध्यान देना है, ओवरी इज सुपीरियर, और उसको कैसे शो करते हैं, जी और एक नीचे स्लैश लगाते हैं, ये डिनोट करता है किसको, डेट इज सुपीरियर ओवरी को, दिस इज डिनोटिंग सुपीरियर ओवरी। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग कोट कर देते हैं, राइट, जैसे कि चाइना रोज, फाइन, चाइना रोज इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट, चाइना रोज की हम लोग बात करते हैं। फिर से फॉर मस्टर्ड ले लेते हैं, मस्टर्ड, राइट, इसी तरीके से ब्रिंजल, टोमेटो, ये जितने भी हैं, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ हाइपोगाइनस फ्लावर वेयर द ओवरी इज सुपीरियर, जहां पर की ओवरी जो होती है वो क्या होती है, सुपीरियर होती है, फाइन। ये चीज़ क्लियर है ना, ऑलराइट, तो ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए, राइट। अब हम लोग
नेक्स्ट वापस एक और कंडीशन ले लेते हैं, और अब की बार जो कंडीशन है डेट इज पेरीगाइनस, है ना, पेरीगाइनस कंडीशन, पेरीगाइनस फ्लावर। नाउ व्हाट इज अ पेरीगाइनस फ्लावर? तो ओवरी इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ गाइनोशियम, ओवरी इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ गाइनोशियम, ओवरी ओवरी इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ गाइनोशियम, सेंटर ऑफ गाइनोशियम एंड ऑल फ्लोरल पार्ट्स, ऑल फ्लोरल पार्ट्स, ऑल फ्लोरल पार्ट्स अराइज, अराइज फ्रॉम रिम ऑफ थैलेमस, रिम ऑफ थैलेमस। ठीक है, ओवरी इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ गाइनोशियम एंड ऑल फ्लोरल पार्ट्स अराइज फ्रॉम रिम ऑफ थैलेमस, और यहां पर जो थैलेमस होता है वो कैसा हो जाता है, कप शेप हो जाता है। ठीक है, यहां पर हम ये बता देते हैं कि थैलेमस बिकम कप शेप, थैलेमस इज कप शेप्ड, थैलेमस बिकम कप शेप्ड, थैलेमस जो होता है वो कप शेप्ड हो जाता है। ठीक है, थैलेमस बिकम कप शेप्ड, जरा देखते हैं हम लोग कैसे हो जाता है। तो यहां पर देखो ये यहां पर लाइक दिस टाइप, ये तो गाइनोशियम है, से फॉर दिस इज द गाइनोशियम, फाइन, और जो थैलेमस होता है वो कप शेप हो जाता है ऐसा, दिस इज थैलेमस। दिस इज द थैलेमस, और यहां पर आप ओवरी की पोजीशन देख रहे हो, ओवरी की पोजीशन देखोगे यहां पर, ये देखो मैं एक ऐसे डॉटेड लाइन बना रहा हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये ओवरी जो है वो हाफ एम्बेडेड हो गई है, ओवरी जो है वो कैसी हो गई, हाफ एम्बेडेड हो गई है, और ये थैलेमस की क्या है, दिस इज द रिम एंड ऑल द फ्लोरल पार्ट्स, अदर फ्लोरल पार्ट्स आर प्रेजेंट एट द रिम ऑफ थैलेमस, ये देखो रिम ऑफ थैलेमस। ठीक है, ये क्या है, दैट इज कैलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम, या मैं पूरा एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ, कैलेक्स दिस इज कैलेक्स, ये क्या है कोरोला, दिस इज कोरोला एंड दिस इज स्टेमिन, फाइन। तो ओवरी की पोजीशन कैसी दिखाई दे रही है, तो ओवरी ना तो ये सुपीरियर है और ना ही इन्फीरियर है। यहाँ पर दोस्तों ओवरी की जो पोजीशन है ना, यहाँ पर जो ओवरी है वो कैसी है, तो ओवरी इज हाफ इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरी कैसी है, हाफ इन्फीरियर है। कैसे शो करोगे, जी ना तो स्लैश ऊपर लगाओगे और ना नीचे, ऐसे साइड में लगाओगे, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, पेरीगाइनस कंडीशन, ओवरी इज हाफ इन्फीरियर। इसके जो एग्जांपल्स हैं राइट, वो सबसे बढ़िया एग्जांपल्स कौन कौन से हैं तो वो देख लो तुम। सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो पीच, पीच, प्लम और रोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछते हैं पीच, प्लम एंड रोज, पीच, प्लम एंड रोज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक है, नाउ अब थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं हम लोग, एंड डेट इज नोन एज एपीगाइनस फ्लावर। एपीगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर, अब एपीगाइनस फ्लावर क्या होता है, तो ओवरी इज एट द बेस, ओवरी इज एट द बेस, हम क्या कहेंगे, ओवरी इज एट द बेस, फाइन, याद रखना ओवरी इज एट द बेस एंड ऑल अदर
फ्लोरल पार्ट्स, ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स आराइज फ्रॉम टॉप ऑफ ओवरी। ये हाइपोगाइनस का बिल्कुल उल्टा हो गया, एपीगाइनस। गाइनस मतलब क्या होता है, दैट इज नोन एज द ओवरी, ओवरी के ऊपर से सारे पार्ट्स निकल रहे हैं। तो ओवरी इज एट द बेस एंड ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स अराइज फ्रॉम टॉप ऑफ द ओवरी। यहाँ पर क्या था, ओवरी वॉज एट द टॉप पोजिशन एंड ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स अराइज फ्रॉम बेस ऑफ द ओवरी। यहाँ क्या हो गया, ओवरी इज एट द बेस एंड ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स अराइज फ्रॉम टॉप ऑफ द ओवरी, है ना। तो क्या कैसे हम लोग करेंगे इसको, किस तरीके से पूरा के पूरा बताएंगे, तो ज़रा वो देखो। यहाँ पर मैं बना के बताता हूँ, ये गाइनोशियम बनाया मैंने, यानी कि मैंने कार्पल बनाया। तो ये ओवरी है, ये ओवरी है, और यहाँ पर जो ओवरी है वो कैसी है, इन्फीरियर ओवरी है। ओवरी इज इन्फीरियर। इन्फीरियर ओवरी को कैसे शो करेंगे दोस्तों, राइट, इन्फीरियर ओवरी, तो ऊपर स्लैश लगाएंगे। ये क्या शो करता है, दिस शोज द इन्फीरियर ओवरी। ये इन्फीरियर ओवरी को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। नाउ बाकी के जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो इसके ऊपर से निकल रहे हैं। ज़रा देखो इसके ऊपर से कैसे निकल रहे हैं, यहाँ से, ये देखो। ओवरी इज एट द बेस एंड ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अराइजिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ओवरी, है ना। गाइनस नीचे है और उसके ऊपर से। तो ये क्या चीज़ है, जैसे कैलेक्स, ये क्या है अपना कोरुला, राइट, और ये क्या है अपना स्टेमिन, राइट, कैलेक्स कोरुला एंड स्टेमिन। तो ओवरी की पोजीशन कैसी है, इन्फीरियर है, है ना। और इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है, द बेस्ट एवर एग्जांपल जो है वो कौन सा है, तो वो भी हम लोग बता देते हैं कि रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, और क्या है, गुआवा, गुआवा, और थर्ड एग्जांपल है कुकुम्बर, थर्ड एग्जांपल इज कुकुम्बर, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन था दोस्तों, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर और एपीगाइनस फ्लावर के ऊपर, राइट। हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर एंड एपीगाइनस फ्लावर अलोंग विद द डायग्राम, अलोंग विद द एग्जांपल्स। सो सभी एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के अंदर आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो होप सो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये आपका चैनल है, आप लोगों के लिए है। हम लोग आपके लिए ऐसी सीरीज़ और भी बहुत नई नई चीज़ें लेकर आएंगे आने वाले दिनों के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड विथ बायोलॉजी बाय डॉक्टर एन एस जैन। थैंक यू।